हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहां से आप एक इमेज देख सकते हो और इस शख्स ने पेपर लीक किया है JSSC का और फाइनली इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छी बात यह है। तो झारखंड का इसे दुर्भाग्य ही आप कहो कि यहां पे बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, कोर्ट में केस जाता है। अगर कोर्ट में केस नहीं भी गया हो तो पेपर लीक हो जाता है। तो फाइनली पुलिस ने पकड़ लिया, बट उन बच्चों का मनोबल का क्या होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो चलिए इसे अच्छे से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या न्यूज़पेपर में अपडेट आई है, गिरफ्तार हुआ शख्स कौन था और इसने किस एग्ज़ाम की पेपर को लीक किया था JSSC का। तो चलिए पूरे जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देख सकते हो चीज़ों को। देखिए, JEE परीक्षा प्रश्न को इसने आरोप जो है क्या किया था, पेपर को लीक कर दिया था। चलिए यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए, जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका नाम क्या है। यहाँ से देखिए, जो ग्रामीण SP है नौशाद आलम ने बताया है कि जो परीक्षा 3 जुलाई को ली जा रही थी, लेकिन कुछ घंटे पहले ही प्रश्न पत्र को जो है वायरल कर दिया गया था और धनबाद के मिथिलेश कुमार महतो ने इसकी जो है लिखित शिकायत कराई थी। और किसके खिलाफ कराई थी? ग्रीडी के रंजीत मंडल के खिलाफ। और फाइनली रंजीत मंडल को जो है 21 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि कोई भी दिक्कत सामने ना आए। थैंक यू सो मच।